हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेक्टर प्रिंस। आज का जो वीडियो है वो गेम ऑफ थ्रोन्स पर है। आज मैं आपको मेरे गेम ऑफ थ्रोन्स के फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा, और साथ में आज हम ये देखेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम उनसे सीख सकते हैं। सो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, सो एंड तक देखना, और सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Number 6, Peter Littlefinger Baelish. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. A ladder to what? A ladder to success. See, if you go with unethical way to win, so you have to compromise on some people. हमें झगड़ना पड़ेगा। दोस्तियाँ तोड़नी पड़ती है। झगड़े लगाने पड़ते हैं। सो देयर वॉज अ स्टोरी ऑफ दोगांचा भांडण तीसरा तलाक। बेसिकली ये वही सीन है। सो रादर वी कैन लर्न वन मोर थिंग फ्रॉम दैट लिटिल फिंगर कि अनेकता में ही एकता है। ये वाला भी मैसेज सीख सकते हैं। ऐसा क्यों? उसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। ऑल्सो लिटिल फिंगर इज अ स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट कॉन्फिडेंस पर्सन इन गेम ऑफ थ्रोन सीरीज। वो जॉन स्नो से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। वो एक आइडियल था कि अगर तुम्हें लड़ना है तो बॉडी की ज़रूरत नहीं है, दिमाग काफ़ी हो। ज़ेंडर क्लिगेन, AKA हाउ। Fuck the king's guard. Fuck the city. Fuck the king. द आयरन मैन ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। अगर हमें ध्यान से देखा तो एक राजा का चमचा टू अ सेल्फलेस मैन। हाउंड एक सबसे ज़बरदस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट था, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट। आर्या का सबसे बड़ा दुश्मन से उसका सबसे बड़ा मोटिवेटर, ये बेस्ट सफ़र था उसका। हाउंड से एक चीज़ हमें सीख सकते हैं, डिसीजन मेकिंग। लाइफ में एक टाइम पर हमें अपना हम सब चीज़ों से तंग आकर एक रिस्क लेने वाला डिसीजन ले लेते हैं, और वो रिस्क लेने के लिए हमें हाउंड मोटिवेट करते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ कर वो डिसीजन लेना पड़ता है। हाउंड ने ज़रा भी सोच समझ के नहीं लिया माना, पर वो डिसीजन पे खरा उतरा, और ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर I have seen in the game of Thrones. हम में से बहुत लोग डरते हैं रिस्क लेने से, सो शायद हाउंड को देखकर हम रिस्क लेने को सीख जाए। सो आप क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। मूविंग ऑन, नंबर 4, नेड स्टार्क। नेड स्टार्क इज द पर्सन हु मेड द मोस्ट सेक्रीफाइसेस फॉर हिज लॉयल्टी। वो एक ऐसा इंसान था जो अपनी फैमिली के को छोड़ आया अपने लॉयलनेस के लिए, अपने राजा के लिए। जब हमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखना स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहला फेवरेट कैरेक्टर हमारा जॉन स्नो हुआ होगा। आई एम श्योर सब लोग यही बोलेंगे। वो था जिसने कभी कानून नहीं तोड़ा, मतलब लाइक उसको पता था कि शायद वो बंदा लॉयल हो सकता है जो स्टार्टिंग में, पर वो उसने कभी उसका मतलब कानून इज कानून, लाइक रूल्स आर रूल्स, वो उसने रूल कभी तोड़े नहीं। You think my life is some precious thing to me? As I would trade my honor for a few more years of what? Of war? You grew up with actors. You learn their craft and you learnt it well. But I grew up with soldiers. I learned how to die a long time ago. He was like the मारे पन झुकना नहीं वो टाइप का वो बंदा था। लाइक बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रेशराइज हो जाके झुक जाते हैं, लाइक हार मान लेते हैं सिस्टम के सामने। बहुत ही लोग हैं ऐसे।
सो वो एक ऐसा इंसान था जो कभी हार नहीं मानता था, लाइक मैं मर जाऊंगा पर हार नहीं मानूंगा। लाइक देख, वो इतना सेल्फलेस बंदा था कि उसने एक छोटे से बच्चे के जान बचाने के लिए अपने खुद के कैरेक्टर पर परमानेंट दाग लगा लिया। लाइक आप लोग, वो बहुत बड़ा स्पॉइलर है सीरीज का, आप लोग सीरीज देखना और आपको पता चल जाएगा क्या था वो। बहुत ही टर्नओवर था वो सीरीज का एक्चुअल में। सो ये सब चीज़ हमें लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। इज लाइक ही इज़ अ बेस्ट कैरेक्टर फॉर द स्टार्ट ऑफ द गेम ऑफ। सो दैट्स इट, मूविंग ऑन। नंबर 3, ओबेरिन मार्टेल। ओबेरिन और नेड स्टार्क वो दोनों ऐसे कैरेक्टर है जिनको कम, बहुत मतलब वो बहुत ज़्यादा डिजर्व करते थे बट बहुत कम शो टाइम मिला उनको। ओबेरिन जितना कैरेक्टर पोर्ट्रे किया उसमें उन्होंने उतना तो समझ में आ गया कि वो एकदम ऐसा निडर इंसान था और एक वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। जैसे उसको वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए जो ये हो रहा था ना, वो पागल हो रहा था ना, वो बहुत अच्छा लगा। मतलब उसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए खुद की जान को तक दांव पर। Have they told you who I am? Some dead man. I am the brother of Elia Martel. And you know why I've come all the way to this stinking shit pile of a city? For you? I'm going to hear you confess before you die. You raped my sister. You murdered her. So, Oberyn was a, like, वो बहुत एकदम ऐसा courageous इंसान था। वो स्टार्टिंग में थोड़ा विलन टाइप लगा मुझे, पर बाद बाद में वो कैरेक्टर मोस्ट डेवलप हुआ और मस्त कैरेक्टर था वो भी। पर वो अच्छा प्लॉट डिजर्व करता था ना, कमेंट में ज़रूर बताना। सो लाइफ में करेज होना बहुत ज़रूरी है, और अगर किसी ने आपको पूछा लाइफ में किसके जैसा करेज चाहिए तो ओबेरिन मार्टेल का नाम ज़रूर बताना। नंबर 2, द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसको हर लड़की शायद चाहती होगी उस कैरेक्टर को। सो यस, जॉन स्नो। ही इज द मोस्ट पोलाइट कैरेक्टर इन गेम ऑफ थ्रोन्स। But when enough people make false promises, words stop meaning anything. Jon Snow की स्टोरी एक bastard boy से शुरू हुई और सबसे ज़्यादा दिल जीतने वाला राजा यहाँ पे ख़त्म हुई। उसने हमेशा खुद से ज़्यादा लोगों का सोचा। उसने अपने प्यार को भी कुर्बान कर दिया 2 बार लोगों के लिए। वो अपने फ़र्ज के लिए पूरा, मतलब अपनी पूरी जान लगा देता था उस फ़र्ज को निभाने के लिए। He deserved more in the whole series. Like, वो बहुत कम मिला उसको। अच्छा था कैरेक्टर, इन तक गया ठीक है, पर वो थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटमेंट तो सबको हुआ सीजन 8 में, किसको नहीं हुआ। सो आई थिंक वो ज़्यादा डिजर्व करता था ना। और तो वो लाइक बहुत ऐसा अलग ही था, मतलब वो डरता नहीं था किसी से, डायरेक्ट भिड़ता था, और एक अच्छा खासा इमेज था उसका गेम ऑफ थ्रोन्स में। स्टिल ये मेरा ओपिनियन है, तुम लोग अपना ओपिनियन बताना। मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, हु इज ही? द टीरियन लैनिस्टर। नो, आई विल गेट नो जस्टिस हियर, सो आई विल लेट द गॉड्स डिसाइड माय फेट। आई डिमांड अ ट्रायल बाय कॉम्बैट। टीरियन लैनिस्टर के बारे में क्या बोलो यार, वो सही बंदा था। मतलब उस वो पूरा मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स का चाणक्य बोल सकते हैं हम लोग उसको। ही वॉज लाइक द बेस्ट माइंड इन द गेम ऑफ थ्रोन्स। उसने अपना दिमाग सही जगह पे लगाया। वो हर एक चीज़ में, वो एक बात में 4-5 चीज़ें बोल कर रख देता था। मतलब वो बहुत सही बंदा था, उसको सब आता था। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, और उसने बचपन से ही बहुत कुछ झेला था लाइफ में। सो वो उसमें उसके दिमाग में वो सब रहता था,
और वो लाइक सी एक उसका ये था व्यू पॉइंट था, वो उसी तरफ चलता रहता था। और एक बात, तो जिसके भी लिए वो लॉयल होता था, और ही इज़ अ पर्सन वो टेक स्टैंड, लाइक अगर गलत है तो गलत है वो बोलता था, चाहे वो तुम्हारा राजा ही क्यों ना हो वो बोलता था कि वो गलत है। और उसने एक बार जॉफरी को कान के लिए बजाया था, तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो आई थिंक टीरियन वॉज द बेस्ट कैरेक्टर इन माई ओपिनियन, एंड सो ही वॉज द, हम लोग उससे उसकी स्ट्रैटर्जीज के बारे में सीख सकते हैं। इट्स लाइक ही वॉज द बेस्ट स्ट्रैटर्जीज इन द गेम ऑफ थ्रोन्स ना। सो आई थिंक ये था मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर। तुम लोग अपना फेवरेट कैरेक्टर ज़रूर कमेंट में बताना। आई नो मैंने बहुत से कैरेक्टर्स मिस कर दिए, जैसे कि डेनेरिस, आर्या, जॉफरी, सर्सी, बहुत से कैरेक्टर्स रह चुके हैं। मैं उनके बारे में अगली वीडियो में बात करूँगा, बट ये वाली अगली नहीं, बहुत जल्दी नई वीडियो में उसके बारे में बात करूँगा। जब तक जब इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे इसका सेकेंड पार्ट आएगा, ठीक है। चलो फिर, तो फिर इसी नोट पे स्पेक्टर प्रिंस का ये एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। आई होप तुम लोगों ने इन्जॉय किया होगा, अगर इन्जॉय किया हो तो स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ट्विटर। और तुम लोग को क्या, तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर इस चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे एक अमेज़ॉन का अफिलिएट लिंक होगा, उसे कुछ भी खरीदो और मेरे चैनल को सपोर्ट करना ज़रूर। और हाँ, सो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में।